हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं भावना और अपने चैनल धूम रिएक्शन गर्ल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो रिएक्शन वीडियो बनने वाली है वो बनने वाली है उत्तराखंड पर। उत्तराखंड जो है जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, और आज उत्तराखंड जो है वो 23 साल हो गए हैं, बट विकास की दशा और दिशा में कोई भी रफ्तार नहीं पकड़ी है। ज्यों का त्यों ही है उत्तराखंड। मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा विकास हो रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र के कंपेयर में बहुत कम। अगर हम ग्राफ देखते हैं तो मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में के विकास के ग्राफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम ये वीडियो देखेंगे और वीडियो में कई सारी चीज़ें आएंगी सामने जो हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, पर वो चीज़ें, वो मुद्दे बहुत बड़े बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो वो उस वीडियो को देखेंगे, बाकी इसके बारे में डिस्कस हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए पहले साथ में वीडियो देखते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छह बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। अपना उत्तराखंड अमूमन दो ही कारणों से राष्ट्रीय सुर्खियों में जगह बनाता है, एक तो यहाँ होने वाले घोटाले और दूसरे यहाँ होने वाली आपदाएं। बीते हफ्ते भी उत्तराखंड की चर्चा इन्हीं दो कारणों से बनी रही। उद्यान घोटाले में कार्रवाई कुछ आगे बढ़ी तो NH-74 घोटाले में सफेदपोश वैसे ही मुस्कुराते हुए निकल आए जैसे अक्सर सरकारी घोटालों में निकल ही आते हैं। इन घोटालों पर अभी विस्तार से बात करेंगे। पहले बात करते हैं प्रदेश के कुछ सबसे दुखद पहलुओं पर, वो पहलू जो ये तक सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या उत्तराखंड की अवधारणा एक पूरी तरह से विफल हो चुकी अवधारणा साबित हुई है। पिछले एक्स्ट्रा कवर में हमने देवप्रयाग की रहने वाली 21 साल की पूजा की मौत की दर्दनाक कहानी आपको बताई थी। अपने घर के पास लगी आग को बुझाते हुए पूजा इतनी बुरी तरह झुलस गई कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। देवप्रयाग से ऋषिकेश पहुंचने के लिए अगर उसे चार बार एम्बुलेंस नहीं बदलनी पड़ती तो हो भी सकता था कि उसकी जान बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पूजा की मौत ने एक बार फिर से रेखांकित किया कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद कितनी बीमार है। पूजा की मौत के कुछ ही दिनों बाद अब अल्मोड़ा से खबर आई कि बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में लगी आग को बुझाते हुए चार लोगों की मौत हो गई। इनमें वन कर्मियों के साथ ही एक PRD जवान भी शामिल था। वनाग्नि में इस साल 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जो संभवतः आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इससे पहले साल 2016 में 6 लोगों ने जंगल की आग के चलते अपनी जान गंवाई थी। उत्तराखंड में हर साल कितने हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो जाते हैं, कितने वन्य जीव इसमें मारे जाते हैं, कितना कार्बन एमिशन इससे होता है, ग्लेशियरों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, ये सारे सवाल तो ऐसे बना दिए गए हैं कि सरकार इन सवालों का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझती। ये सवाल सिर्फ पर्यावरण पर बात करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जैसे सुरक्षित रख दिए गए हों, लेकिन हर साल वनाग्नि में मरने वाले इंसानों की संख्या भी जब लगातार बढ़ती जा रही है, तब भी अगर सरकार की आंखों में शर्म का पानी पहाड़ की जलधाराओं की तरह सूखता दिखता है तो ये सवाल पैदा होता ही है कि उत्तराखंड एक राज्य के रूप में कैसे विफल साबित हो रहा है। आज से ठीक 2 साल पहले बारामासा ने वनाग्नि पर एक विस्तृत चर्चा की थी। इस चर्चा में प्रख्यात भूवैज्ञानिक SP सती और हिमालयन इकोलॉजी में देश के सबसे बड़े नामों में शामिल गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर SP सिंह शामिल हुए थे। इन दोनों विशेषज्ञों ने बताया था कि कैसे हमारी सरकार की नीतियों में दूरदर्शिता की भारी कमी इस समस्या को लगातार विकराल बना रही है। वनाग्नि से निपटना तो दूर, उत्तराखंड की किसी भी सरकार ने आज तक इसे अच्छे से समझने के प्रयास तक नहीं किए। उन्होंने बताया था कि जंगल में लगने वाली हर आग को खराब नहीं कहा जा सकता, बशर्ते वो नियंत्रण में हो। विभाग अगर अपने नियंत्रण से ऐसा करे तो आग की बड़ी घटनाओं की संभावनाओं को खत्म किया जा सकता है, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई प्लान नहीं जिसमें आगे के 10 सालों के बारे में योजना बनाई जाए और ब्लूप्रिंट तैयार हो कि एक दशक में इस समस्या से निजात किस तरह से मिल सकती है। इसके उलट सरकारें हर बार तब हरकत में आती हैं जब जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो चुकी होती हैं, तब बिना किसी गेयर के वन कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए झोंक दिया जाता है और इसका नतीजा वही होता है जो बिनसर में हुआ। इसके बाद कुछ बड़ा फैसला लेते हुए दिखाना हो तो 3 बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है। ये सही है कि जिम्मेदारी तय करने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन क्या कठोर कदम मंत्री स्तर पर भी उठाए जाएंगे? जिन मंत्री के कार्यकाल में वनाग्नि से सर्वाधिक मौत हो गई हों, क्या वो मंत्री जी भी इस्तीफा देंगे? नहीं, वो नहीं देंगे, क्योंकि ठीकरा उन अधिकारियों के सर पर फोड़ा जाएगा जिन्हें वनाग्नि से निपटने के लिए पूरा बजट नहीं दिया गया,
पूरे संसाधन नहीं दिए गए, पूरा स्टाफ भी नहीं दिया गया और उनके स्टाफ में जो बचे कुचे कर्मचारी थे भी उन्हें चुनाव ड्यूटी से तब वापस बुलाया गया जब देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार को मुख्यालय से डाम देने का डर दिखाया। वनाग्नि से निपटने वाली योजनाओं के नाम पर पिछले कुछ सालों में जो हुआ है उसकी एक वानगी देखिए। उत्तराखंड में जंगल की आग का सबसे ज्यादा दोष चीड़ के पेड़ों से गिरने वाले पिरुल को दिया जाता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। तो इससे निपटने के लिए सरकार आज से करीब 14 साल पहले एक योजना लेकर आई कि वो पिरुल से कोयला बनाने को बढ़ावा देगी। घोषणा से आगे इस योजना का वही हुआ जो गधे की लात और नेता की बात का अक्सर होता ही है। फिर नई योजना आई कि अब पिरुल से बिजली बनाएंगे, इस योजना का भी वही हुआ और ये भी खाड़ उंजुगा ही रही। फिर तीसरी योजना आई कि अब इससे कुछ और नया बनाया जाएगा जिसके लिए उधम सिंह नगर में फैक्ट्री भी लगा दी गई, लेकिन अलग अलग जंगलों से पिरुल जमा करके फैक्ट्री तक पहुंचाने की जब बात आई तब विभागों को याद आया कि पिरुल तो वन उपज है और इसे लाने ले जाने के लिए तो ट्रांजिट परमिट चाहिए। तो इस योजना ने भी कुछ दिन ऑफिस ऑफिस खेला और फिर ये भी खड़ियाण जुगा ही साबित हुई। अब भी गाहे बगाहे ये बात हर साल कही जाती है कि सरकार पिरुल खरीदेगी और उससे भौंकुच बना देगी, लेकिन भौंकुच कभी बनता नहीं। छोटे स्तर पर कुछ जगह पिरुल का ऐसा इस्तेमाल हो भी रहा हो, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा कहीं दूर दूर तक होता भी नजर नहीं आता। वनाग्नि की घटनाएं इतनी विकराल इसलिए भी हुई हैं क्योंकि समाज का जंगल से रिश्ता लगभग खत्म सा कर दिया गया है। सही बात है। जब तक समाज का जंगलों पर अधिकार था उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी सामूहिक होती थी, लेकिन अब एक तो गाँव के गाँव ही खाली हो गए हैं, ऊपर से जो लोग गाँव में हैं भी उनका जंगलों पर अधिकार खत्म सा कर दिया गया है। पिछले साल का वो वीडियो आपको याद होगा जिसमें जंगल से घास लाती घसियारी तक से कुछ सरकारी कर्मचारी घास छीनते हुए नजर आ रहे थे। अधिकारों का इस तरह से छिन जाना बाकायदा कानून बनाकर किया गया। इसे आप कुछ अन्य उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। आपने अक्सर सड़क किनारे लोहा पीटते, गांव कस्बों में जानवर हांकते, हनुमान या भगवान शंकर बनकर पैसे मांगते, जड़ी बूटी बेचते, बंदर या भालू के साथ तमाशा दिखाते और सड़क किनारे लकड़ी के डंडों से तनी हुई रस्सी पर चलते हुए करतब दिखाते लोगों को अक्सर देखा होगा। अब तो विलुप्त हो गए यार सारे। कौन लोग हैं और क्या इनके भी कोई मौलिक या संवैधानिक अधिकार होते होंगे? इन लोगों की चर्चा मुख्यधारा के समाज में सिर्फ तब होती है जब कहीं अखबार में खबर छपती है कि बावरिया गिरोह, कंजर गिरोह या भातू गैंग ने कोई बड़ा अपराध कर दिया, लेकिन इस पर कभी चर्चा नहीं होती कि ये तमाम जनजातियां आज भी समाज से इतनी पीछे क्यों छोड़ दी गई हैं। और इस पर तो कभी विचार तक नहीं होता कि असल में हम जैसे जैसे सो कॉल्ड सभ्य होते गए, नए नए कानून बनाते गए, हमने वैसे वैसे कई जनजातियों को हमेशा के लिए हाशिए पर धकेल दिया और उनके बारे में कभी सोचा तक नहीं। असल में ये तमाम लोग घुमंतू जनजातियों से होते हैं, जैसे कि बंजारे, गाड़िया लोहार, बावरिया, नट, कालबेलिया, भोपा, सिल्कीगर, सिंगीवाल, कुचबंदा, कलंदर आदि। एक समय था जब बंजारे अपने जानवरों पर नमक और मुल्तानी मिट्टी जैसी चीज़ें ढोया करते थे। गाड़िया लोहार जगह जगह जाकर औजार बनाते थे और बेचते थे। बावरिये जानवरों का शिकार और उनके अंगों का व्यापार करते थे। नट नाचने और करतब दिखाने के काम में थे। कालबेलिया, जिन्हें सपेरा भी कहा जाता है, वो सांपों का खेल दिखाते थे। भोपा स्थानीय देवताओं के आख्यान गाते थे। सिल्कीगर हथियारों में धार लगाते थे। सिंगीवाल हिरण के टूटे हुए सींग से लोगों का इलाज करते थे और इन्हें प्राकृतिक औषधियों का ज्ञाता समझा जाता था। कुचबंदा मिट्टी के खिलौने बनाते थे। कलंदर भालुओं और बंदरों से करतब दिखाते थे। ओड नहर बनाने और ज़मीन को समतल करने का काम करते थे। जागा लोगों की कई पीढ़ियों का ब्यौरा रखते थे और जजमानी में जगह जगह जाते थे। भैरूपिये और बाजीगर हाथ की सफाई दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। लेकिन देश में जैसे जैसे विकास होता गया ये जनजातियाँ अपने पारंपरिक व्यवसाय से हाथ धोती गई। यातायात जैसे जैसे मजबूत हुआ बंजारों का व्यवसाय कमज़ोर होने लगा। औद्योगिक तरक्की ने गाड़िया लोहारों से उनका व्यवसाय छीन लिया। प्लास्टिक के खिलौने बने तो कुचबंदा समुदाय के मिट्टी के खिलौनों की पूछ समाप्त हो गई। कंप्यूटर के आविष्कार ने जागा समुदाय की पोथियों को बीते ज़माने का करार कर दिया। रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के आने से मनोरंजन के लिए किसी के पास भी भैरूपिये, बाजीगर, कलंदर, नट या कालबेलियाओं के लिए समय ही नहीं बचा। धीरे धीरे लोगों की व्यवसायिक प्रासंगिकता शहर से कस्बों, कस्बों से गांवों, गांवों से दुर्गम और फिर अति दुर्गम स्थानों तक सिमटती गई और आज लगभग खत्म होने के कगार पर बिल्कुल नहीं दिखते। सिर्फ आधुनिकता नहीं नहीं बल्कि हमारे कानूनों ने भी इनमें से कई जनजातियों के साथ अन्याय किया। कई ऐसे कानून बन गए जिनसे ये जनजातियाँ रातों रात अपराधी घोषित हो गई। मसलन वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बने तो बावरिया जनजाति का पारंपरिक काम अपराध मान लिया गया।
जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम के लिए कानून बने तो कलंदरों का भालू रखना और कालबेलियाओं का सांप रखना अपराध हो गया। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट बना तो सिंगीवाल समुदाय की चिकित्सकीय प्रणाली अपराध घोषित हो गई। भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम बना तो कई घुमंतु जनजातियों को इसके अंतर्गत अपराधी माना गया। द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट की मार कई घुमंतु जनजातियों के व्यवसाय पर पड़ी। ये सभी कानून आज के समय में बेहद ज़रूरी भी हैं, लेकिन इन कानूनों के लागू होने से जो लोग रातों रात अपराधी घोषित हो गए उनके व्यवसायिक पुनर्वास के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। ऐसा ही पहाड़ी समाज के साथ भी हुआ जब जंगलों पर उनके अधिकार रातों रात छीन लिए गए। तब एक समय ऐसा भी आया था जब उत्तराखंड में लोगों ने खुद ही विरोध स्वरूप जंगलों के जंगलों में आग लगानी शुरू की। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि एक साल में ही 10 लोग जंगलों की आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और सरकार के पास अब भी कोई ठोस प्लान नहीं कि जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि आने वाले 10 या 20 सालों में भी इस समस्या का कोई ठोस या स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। वक्त के साथ और ज्यादा विकराल होती ऐसी ही स्थिति सड़क दुर्घटनाओं की भी होती जा रही है। बहुत ज्यादा। हर साल सड़कों को पहले से ज्यादा चौड़ा किया जा रहा है और इसके साथ ही दुर्घटनाओं और उनमें जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि अब तो सरकार भी उसे डिफेंड नहीं करती। ये सर्व स्वीकार्य हो चुका है कि पहाड़ों में स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। इसका एक उदाहरण आप इस प्रकरण में भी देख सकते हैं जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा कि नैनीताल में जजों के लिए अच्छे अस्पताल नहीं। जब नैनीताल जैसी जगह पर ही और जजों जैसे वीआईपी को भी पहाड़ में अच्छी हेल्थ सुविधा नहीं मिल रही तो हम और आप जैसे पहाड़ी ग्याड़ू इसकी क्या ही उम्मीद रखेंगे। वैसे ये भी सच है कि उत्तराखंड बनने के बाद सब बुरा ही बुरा नहीं हुआ और कई चीज़ें अच्छी भी हुई। कई लोगों को सरकारी नौकरी मिली, अन्य तरह के रोजगार मिले, सड़कों का भयानक जाल बिछा, गांव-गांव तक सड़क पहुंची, कॉलेज खुले, पहाड़ी अस्मिता मजबूत हुई और उत्तराखंडी पहचान को भी बल मिला। लेकिन इस सब के बाद भी जिन मूल सवालों के लिए अलग राज्य का आंदोलन हुआ था वो तमाम सवाल आज पहले से भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। पहाड़ों का बद से बदतर होता जाना ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि पहाड़ी राज्य से आखिर किसे फ़ायदा हुआ। सिर्फ उन नेताओं को जो बेशर्मी में पीएचडी हो गए और जिन्होंने कांग्रेस भाजपा का टिकट हथियाना ही राजनीति की सफलतम सीढ़ी बना लिया। प्रदेश में राजनीतिक दरिद्रता इतनी भयानक हो चुकी है कि आज एक भी चेहरा ऐसा नजर नहीं आता जो भाजपा या कांग्रेस के टिकट से इतर अपना बड़ा जनाधार रखता हो। राष्ट्रीय पार्टियों का पुछलग्गु बना रहना ही उत्तराखंड की राजनीति की एकमात्र और अंतिम धुरी हो गई है। इसका सबसे ताजा उदाहरण आने वाले उपचुनाव के प्रत्याशियों के रूप में देख लीजिए। बद्रीनाथ में वही राजेंद्र भंडारी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक कांग्रेस से विधायक थे। और मंगलौर सीट से तो भाजपा हरियाणा के नेता को आयातित करके लाई है जिनका नाम करतार सिंह भड़ाना है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। गलत। वो भी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की गोद में हुआ करते थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कभी इन लोगों को चपट करके कोसा करते थे। राजेंद्र भंडारी पर तो उन्होंने करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए थे, लेकिन अब उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। देश के सिर्फ एक या दो राज्य ही ऐसे हैं जहां उत्तराखंड की टक्कर की राजनीतिक दरिद्रता हो। पृथक राज्य की अवधारणा का विफल होना ये नहीं तो और क्या है। जिस उत्तराखंड का सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था उसकी राजधानी गैरसैंण में होनी थी, लेकिन राज्य बनते ही सब विधानी देहरादून बना दिया गया और जनता को बुथियाने के लिए आए दिन नए लॉलीपॉप हैं जिनमें सबसे नया लॉलीपॉप जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर देना है। जोशीमठ लगातार धरती में समा रहा है। वहाँ जिन लोगों के घर टूट गए उनका पुनर्वास अभी भी लंबित है और वहाँ आज भी लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार मास्टर स्ट्रोक लाई है कि जोशीमठ को ज्योतिर्मठ कर दिया जाए। अब जब जोशीमठ ही नहीं रहेगा तो धरती में क्या समाए। तो सरकार को इस तरह से अब देहरादून का नाम भी गैरसैंण कर देना चाहिए। राजधानी का टंटा भी निपटेगा और माननीयों को गैरसैंण जाने में दिक्कत भी नहीं होगी, बल्कि एक ही झटके में संविधानी देहरादून से संविधानी गैरसैंण हो जाएगा। एकदम मास्टर स्ट्रोक टाइप। जैसे वो कहते हैं कि हम गांधी के बताए मार्ग पर नहीं चल सके, इसलिए हम जिस भी मार्ग पर चले हमने उसी का नाम गांधी मार्ग कर दिया। बहरहाल, राज्य की दुर्गति वाली तमाम खबरों के बीच इस दौरान एक उम्मीद जगाती खबर आई कि उद्यान घोटाले में सीबीआई ने तत्कालीन निदेशक एचएस बावेजा समेत 18 लोगों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। लेकिन इसके साथ ही खबर ये भी आई कि विभाग अब भी उन्हीं दरों पर पौधे खरीद रहा है जिन दरों पर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा चुका है। मसलन कीवी का जो पौधा 35 रुपए में खरीदा जाना था उसके लिए 75 रुपए की दर तय की गई और 75 वाले पौधे के लिए 175 रुपए की। अमर उजाला की खबर के अनुसार पंतनगर विश्वविद्यालय ने इससे कहीं कम दरें निर्धारित की थी, लेकिन निदेशक बवेजा ने खुद को और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए इन दरों को मनचाहे ढंग से बढ़ा दिया।
सरकारी पैसा था तो प्रदेश की मवासी घाम लगा दी जाए, इसी तर्ज पर काम होता रहा। कुछ ऐसा ही काम कभी NH-74 घोटाले में भी हुआ था, जहां अफसर, कर्मचारी, दलाल और कुछ किसानों की मिलीभगत से कृषि भूमि को बैकडेट में गैर कृषि दर्शाया गया और फिर करोड़ों का मुआवजा लेकर उसकी बंदरबांट की गई। ये मामला जब खुलने लगा तो इसमें पहली बार राज्य के 5 PCS अधिकारी जेल गए थे, लेकिन अब इस मामले के मुख्य आरोपी को सभी आरोपों से क्लीन चिट मिल चुकी है, बल्कि उनके खिलाफ जो अनुशासनिक कार्रवाई चल रही थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है। इस घोटाले में करोड़ों का मुआवजा सरकार से लिया गया और फर्जी कागजों के आधार पर बांटा गया। अब ये मुआवजा अगर मुख्य आरोपी ने नहीं खाया तो किसने खाया होगा? इसके लिए प्रदेश की जनता जाए और गांव में बकिया को चौल दिखाए। मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी इसका जवाब थोड़ी देंगे, ठीक वैसे ही जैसे बड़कोट के लोगों के सवालों पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। नगर पालिका बड़कोट यमुनोत्री धाम का एक प्रमुख पड़ाव है, देश विदेश के यात्री यहाँ आते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से बड़कोट में पानी की भारी बहुत ज्यादा, इससे स्थानीय लोगों को और यात्रियों को सभी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग कई कई बार ज्ञापन प्रशासन को सौंप चुके हैं, लेकिन कहीं कुछ फर्क नहीं रहा। बारामासा को अपनी समस्या बताते हुए स्थानीय लोगों ने लिखा है कि पानी की आपूर्ति 44 साल पुरानी एक पेयजल योजना से की जा रही है, जो अब इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए नाकाफी है। ऐसे में शहर में टैंकरों द्वारा जलापूर्ति करने का अस्थायी समाधान तो खोजा गया, लेकिन यह न तो पूरा होता है और न ही इसका पानी पीने योग्य। फिर शहर के अधिकतम इलाके तो ऐसे हैं जहां टैंकर पहुंच ही नहीं पाते और लोगों को पानी के लिए कई कई किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। बड़कोट में एक पंपिंग योजना प्रस्तावित तो है, लेकिन ये कई सालों से बस लंबित ही है। इसके लिए तिलाड़ी में भूमि अधिग्रहण भी हो चुका है, लेकिन उसके आगे कुजाण तब वाला मामला हो रहा है। इस क्षेत्र में पानी की समस्या पर दैनिक जागरण ने भी एक विस्तृत रिपोर्ट की है। इसमें बताया गया है कि बड़कोट की ही एक ग्राम पंचायत में हर घर नल हर घर जल योजना के तहत जिन 200 घरों में काम पूरा होना दिखा दिया गया है, उनमें से एक भी घर में अभी तक पानी की एक बूंद नहीं पहुंची है। ऐसे में गांवों को भी भगवान से ही आस है कि बरसात हो तो सूखे हुए स्रोत जीवित हो सकें और पानी की समस्या कुछ कम हो। ठीक वैसे ही जैसे हमारी सरकार भगवान भरोसे है कि बारिश हो तो जंगलों की आग का समाधान खोजा जाए। पूरी वीडियो देखी हमने और पूरी वीडियो देख के बहुत बुरा लग रहा है अपनी उत्तराखंड के बारे में ऐसी खबरें सुनने में। ऐसे ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, बाकी अंदर तो खोखला होते जा रहा है। कहाँ गए सबके सब इतने घोटाले, इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है अब उत्तराखंड में, इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं था कि कभी उत्तराखंड के बारे में भी न्यूज़ ऐसे सुनने को मिलेगी। यहाँ पर राहुल कोटियाल जी ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई और वीडियो में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें सामने रखी जिनसे हम अनजान बैठे थे। मुझे तो काफ़ी चीज़ें उसमें पता भी नहीं थी, कई चीज़ उन्होंने वो कीवी के पौधों के बारे में बताया, जंगल में आग लगने के बारे में बताया, कैसे कैसे घोटाले हो रहे हैं, कैसे कैसे बातों को दबाया जा रहा है, कई चीज़ों का उन्होंने यहाँ पे खुलासा किया। तो बहुत अच्छी थी वीडियो और वीडियो में उन्होंने कुछ कुछ गढ़वाली शब्दों का इस्तेमाल किया तो वीडियो और भी ज़्यादा बढ़िया हो गई। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें तो उन्होंने ही हमें बता दी। उन्होंने ये भी बताया हमें कि मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में की विकास में कितना ज़्यादा अंतर है। मैदानी क्षेत्रों में जो है विकास किए जा रहे हैं और मैदानी क्षेत्र के विकास के चक्कर में पहाड़ी क्षेत्र जो है वो पीछे रह जा रहे हैं। आज के टाइम पे मैदानी क्षेत्रों में संस्थाएं देख लो आप, चाहे विभाग देख लो, फैक्ट्री कंपनी सब कुछ जो भी हैं वो आपको मिलेंगी। सेलाकुई, देहरादून, रुड़की, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये सारी चीज़ें यहीं पर हैं। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों के जो जितने भी लोग हैं वो छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं। चाहे आप एजुकेशन ले लो, चाहे आप नौकरी ले लो, चाहे आप स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल फैसिलिटी ले लो, सब चीज़ों के लिए उनको मैदानी क्षेत्रों पे आना पड़ रहा है। अगर सरकार जो है ध्यान दे और पहाड़ी क्षेत्रों पे ध्यान दे, वहाँ पे फैसिलिटी देना स्टार्ट करे तो वहाँ के जो वहाँ पे गांव-गांव खाली नहीं होंगे। काफ़ी ज़्यादा विकास की ज़रूरत है गाँवों में। हॉस्पिटल की बात ले लो, जो उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि एक लड़की रुद्रप्रयाग में आग में झुलस गई और उसको ऋषिकेश लाते लाते 4 एम्बुलेंस को बदलना पड़ा। अगर वो 4 एम्बुलेंस को नहीं बदलना पड़ता तो शायद वो आज के टाइम पे बच जाते। तो मतलब इतनी ख़राब है उत्तराखंड की कंडीशन, 108 की कंडीशन इतनी ख़राब है कि तुम्हें 4 एम्बुलेंस बदलना पड़ा तब जाके उसे पहुँचाया। इससे अच्छा नहीं पहुँचाते, वहीं रहने देते। अगर राजधानी के करें तो उन्होंने बताया कि गैरसैंण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुए, अनशन हुए, बहुत कुछ हुआ, बट वो बात रखी गई कि होगा होगा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बट अगर आज के टाइम पे गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाता तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकास होता, वहाँ पे नेता लोग बैठते, अधिकारी लोग बैठते, काफ़ी चीज़ों की फैसिलिटी होती, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें
विकास के लिए खुलती, पर ऐसा नहीं हुआ। सारे मंत्री लोग बैठे हुए हैं देहरादून में, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वोट के लिए, चुनाव के लिए बस थोड़ा सा उठ रहे हैं, बाकी घूम रहे फिर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हो रहा है और क्या उत्तराखंड किस तरफ जा रहा है। कोई विकास, कोई चिंता, कोई चिंता की बात ही नहीं है उन लोगों के लिए। सरकार को जो है वो पलायन रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहा है। नौकरी के लिए लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। अगर सरकार जो है ईमानदारी से काम करे तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि पलायन को रोका जा सकता है। पहाड़ों में सरकार ने स्कूल तो बना दिए हैं, कॉलेज तो बना दिए हैं, पर वो शिक्षा नहीं है, उस लेवल की शिक्षा नहीं है कि वहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं। लोगों को आजकल ऐसा हो रहा है, सभी को ऐसा हो रहा है कि घर गांव में कुछ नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, कॉलेज अच्छे नहीं है, तो थोड़े थोड़ा पढ़ के लोग क्या कर रहे हैं कि सिटी में भेज दे रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों में भेज दे रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। अगर सरकार चाहे तो सरकार भी पहाड़ी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजेस खोल सकती है, कई इंजीनियर्स कॉलेज खोल सकती है, ताकि बच्चे जो है वहाँ का जो शिक्षा का लेवल है उसको थोड़ा ऊंचा कर सकती है, ताकि बच्चे वहीं पे पढ़ के वहीं पे कॉलेज करें और वहीं पे अपने के लिए रोज़गार ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे रोज़गार उपलब्ध हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में हॉस्पिटल की फैसिलिटी करनी बहुत ज़रूरी है और वो करनी चाहिए, वही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए सिटी आ रहे हैं, कईयों के तो वहाँ से पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र पहुँचते पहुँचते ही कोई अपना दम तोड़ दे रहा है। कईयों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए, दिक्कत के लिए, परेशानी के लिए मैदानी क्षेत्रों में आना पड़ रहा है। तो इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपने ये भी गौर किया है, पहले उत्तराखंड में कभी भी ऐसी वारदातें सुनाई नहीं देती थी जिससे कि दिल झकझोर हो जाए, बट अब तो ऐसी ऐसी वारदातें भी सुनाई देने लग गई है उत्तराखंड में जो बिल्कुल उम्मीद से परे थी। सोच भी नहीं सकते थे कि कभी उत्तराखंड में भी ऐसे होगा। अभी हाल ही में, अभी कल परसों की न्यूज़ है, नेहरू ग्राम में एक लड़के को गोली मार दी और दो लड़के जो हैं वो घायल हैं। वो लड़का जो था उसका नाम डोभाल है, कुछ रवि डोभाल है शायद से उसका नाम, उसको गोली मार दी। और गोली क्यों मारी, क्योंकि उसने ब्याज के पैसे नहीं दे पा रहा था, इसलिए उस लड़के ने गुंडे भेजे और उस लड़के को मरवा दिया गोली मार के। वो तो वहीं पर बिल्कुल ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया, बट उसके साथ के जो दो लड़के थे वो दोनों अभी अस्पताल में हैं। ऐसे ही फिर एक रेप केस भी था, जो अभी अंकिता भंडारी का रेप केस था, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में था, वो भी जो पहले कभी उत्तराखंड में नहीं सुनने को मिलता था। अब ऐसी ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं। अंकिता भंडारी के केस में भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ज्यों का त्यों ही रहा। वो मर गई, वो चली गई, घर वालों ने जो था वो सह लिया सब कुछ, पर वो मैटर में कुछ भी आगे कार्रवाई नहीं हुई, वो वहीं का वहीं दबा दिया गया उसको। तो अब ऐसी ऐसी न्यूज़ें आने लग गई है उत्तराखंड में भी जो बिल्कुल सोच से परी थी। और बाकी तो आपने देखा कितना कुछ चेंज हो रहा है उत्तराखंड में। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप क्या कितना सहमत हैं इस वीडियो से। क्या आपको लगता है कि वाकई में उत्तराखंड राज्य जो है वो विफल की तरफ बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल खोखला होते जा रहा है? तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।